आम आपको पसंद है पर बाजार वाला मैंगो शेक आप घर पे बना नहीं पाते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। आज मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी आम के शेक की रेसिपी लाई हूँ। लास्ट में मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फूड एंड केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ मैंने 2 बादाम आम लिए हैं। इसका कलर हल्का येलो होता है और ये टेस्ट में बहुत ही रिच टेस्ट देता है। अब हम इसे छील लेंगे। तो देखिए, मैं इसे कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत आसानी से ये छिल जाता है। आप चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हो इसे छीलने के लिए। आम को छीलने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर लेंगे। अब इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो ये शेक बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जार होता है। इसमें हम आज शेक बनाएंगे। तो देखिए, सारे पीसेस मैंने ले लिए है इसमें। अब इसमें हम 4 चम्मच चीनी मिलाएंगे। 1 ग्लास के लिए 2 चम्मच करके 2 ग्लास के लिए मैं 4 चम्मच मिला रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। तो दूध यहाँ पे ठंडा दूध है, तो ये 1/2 ग्लास मैं अभी मिला रही हूँ। हम बाकी बाद में मिलाएंगे। अब हम पिसा बर्फ के क्यूब्स ले लेंगे, ये ऑप्शनल है। अब देखिए, ये मिक्स करेंगे हम। तो अच्छे से ये मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब बाकी दूध भी मिला देते हैं। तो मैं टोटल 2 ग्लास दूध ले रही हूँ, तो अभी हम 1.5 ग्लास मिलाएंगे। पहले हमने 1/2 ग्लास मिलाया है। तो ये देखिए, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ये 2 चुटकी हम इसमें इलायची पाउडर मिलाएंगे, ये ऑप्शनल है। अब 2 चुटकी हम इसमें सॉल्ट मिलाएंगे, मतलब नमक। हर मीठे चीज में थोड़ा सा नमक टेस्टी लगता है, मीठे का स्वाद और बढ़ा देता है। आप इस गर्मी में अभी तक कौन सा शेक पिए हो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताना। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही स्वादिष्ट ये मैंगो शेक बन के तैयार है। लास्ट में आप चाहो तो इसके ऊपर मैंगो पल्प दे सकते हो, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। ऐसे मैंगो को क्यूब्स में काट के आप ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हो। अब ऊपर से हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे। आप चाहो तो ऊपर से पिस्ता, काजू, बादाम, इसी से भी गार्निशिंग कर सकते हो। या तो आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर आइसक्रीम से भी इसका टेस्ट और बढ़ा सकते हो। आम बहुत ही एक हेल्दी फ्रूट होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और कैलोरी बहुत ही कम होता है इसमें। थोड़ा सा विटामिन सी और आयरन भी होता है इसमें, तो ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही हेल्दी रखता है और हार्ट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप बेझिझक खूब आम खाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।